मुत्तहिद अक़वामी मूवमेंट उलमा कमेटी के अरकान ने कहा है कि निजाम अदल और बंदूक की नोक पर हुकूमत ने जिस तरह तालिबान के आगे घुटने टेके हैं, इससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बदनाम हुआ है। एमकेएम के मरकज पर न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब में इंचार्ज उलमा कमेटी अकील खान लोधी ने कहा कि तालिबान खुद साख्ता शरीयत के नाम पर मुख्तलिफ अकायद के बुजुर्गों और खवातीन को बेदर्दी से कत्ल कर रहे हैं, जो पूरी दुनिया पर आश्कार हो चुका है। उन्होंने कहा कि तालिबान अपनी दहशतगर्दी को इस्लाम का नाम दे रहे हैं, जबकि इस्लामी तालीमात इसके बिल्कुल बरक्स हैं। अरकीन उलमा कमेटी ने कहा कि सूफी मोहम्मद कौमी असेंबली सेनेट समेत पूरी जमहूरी और अदालती निजाम को गैर शरई और बुतकदा करार दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सूफी मोहम्मद ने 1973 के आईन और पार्लियामेंट को भी गैर शरई करार दे दिया है। अकील लोधी का कहना था कि एमकेएम के कायद अल्ताफ हुसैन की जानिब से बुलाए गए उलमा और मशाइख कन्वेंशन में शिरकत करने वाले सूफी उलमा कराम को भी सूफी मोहम्मद ने दायरा इस्लाम से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सूफी मोहम्मद को तमाम बयानात की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि तमाम मकातब फिक्र के उलमा कराम और एमकेएम के साथ मुतहद होकर नाम नेहाद तालिबानाइजेशन के खिलाफ उठ खड़े हों।